अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उमेर अलवी और आज मैं आपके लिए जिस प्रोजेक्ट का विज़िट लेकर आया हूं, इसका नाम है बहरिया ऑर्चर्ड। पहले भी मैंने बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ की वीडियो बनाई थी और आज बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 की वीडियो बनाने जा रहा हूं। बहरिया ऑर्चर्ड जिसके तकरीबन 5 फेज़ हैं, ठोकर नियाज बेग लाहौर से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर मेन रायवंड रोड पर वाकया बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट बहरिया ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम, इंतहाई शानदार, इंतहाई खूबसूरत प्रोजेक्ट, तमाम तर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। बहरिया टाउन जो कि किसी जिसके नाम से तकरीबन हर कोई वाकिफ़ है, जो कि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। बहरिया ऑर्चर्ड जिसका मैं ऑलरेडी फ़ेज़ 1 और 2 आपको पहले ही विज़िट करवा चुका हूं और आज आपको मैं विज़िट करवाऊंगा इसके बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 का। मुकम्मल विज़िट करवाने की कोशिश करूंगा। विज़िट करवाने से पहले कहता चलूँगा कि चैनल को वॉच करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, काइंडली लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा लाहौर में अगर आप किसी भी सोसाइटी में घर या प्लॉट सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 मेन ड्राइवेंड रोड पर वाकया बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 और 2 के अपोज़िट साइड पर ये वाकया इसका बहरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 है। बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 अभी डेवलपमेंट के मराहल में है, अभी बिल्कुल ये अर्ली लेवल पर है। शुरू में इंस्टॉलमेंट पर इसकी डील थी तो अब भी इसके कुछ इंस्टॉलमेंट्स कुछ लोगों की चल रही हैं। तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में तकरीबन तमाम फैसिलिटीज़, सड़कें वगैरह, बिजली पानी का इंतज़ाम मौजूद, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशंस, मस्जिद बनी हुई है, कुछ लोग रह रहे हैं, अभी बिल्कुल नए अर्ली लेवल पर है। प्राइसेस के लिहाज से बात करता चलूं तो पहले तो बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में प्राइसेस काफ़ी लो थी, तो अभी इसमें कुछ बूम आया है और काफ़ी तेज़ी से जो है इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं तो टाइम मत ज़ाया कीजिएगा और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा। सड़कों का निज़ाम आपके सामने है कि तमाम तर रोड्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत, आला डिज़ाइंड हैं, मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही इसकी आला है और कारपेटेड रोड्स हैं और चंद एक घर भी बने हुए हैं, अभी बाकी घर नहीं बने। और अगर बहरिया ऑर्चर्ड के ब्लॉक्स की बात करता चलूँ, फेज़ 4 में जो इसके ब्लॉक्स हैं जिसका आज मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ, इसमें G1, G2, G3, G4, G5 और G6 जी के नाम से इसमें इसके ब्लॉक्स हैं, 5-6 ब्लॉक्स हैं इसके। और इसमें डिफरेंट किस्म की कटिंग्स अवेलेबल है और बिजली का निज़ाम, पानी का निज़ाम, सड़कें, ग्रीनरी का निज़ाम, मेंटेनेंस बहुत ही आला, सिक्योरिटी बेहतरीन और हर लिहाज से आला, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट है और घर बनाने के लिए भी फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। जैसा कि मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूं कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 बहुत ही अच्छी, खूबसूरत, प्राइम लोकेशन पर वाकया सोसाइटी, मेन ड्राइवेंड रोड, रिंग रोड की एक्सेस के लिहाज से बात करता चलूं तो रिंग रोड इससे हार्डली 7-8-10 मिनट की मुसाफत पर जो इसका रायवंड रोड अड्डा प्लाट वाला इंटरचेंज इसको लगता है और रायवंड सिटी भी करीब है और यहाँ से आप फिरोजपुर रोड को भी इसमें से लिंक कर सकते हैं। और एयरपोर्ट जाने के लिए रिंग रोड बेस्ट रहेगा, मोटरवे के लिए आपको ठोकर नियाज बेग का रास्ता जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। पुरअमन पुरफ़ा माहौल में रहाइश के लिए बहरिया ऑर्चर्ड बहुत ही प्यारी और बेहतरीन चॉइस, बहुत ही प्यारा टाउन बहरिया ऑर्चर्ड।
जिसका मैं आज आपको विज़िट करवा रहा हूँ, इसके तमाम ब्लॉग्स की विज़िट करवाने का कोशिश करूँगा। और प्राइस के हवाले से बात करता चलूँ, पहले मैं बताता चलूँ कि इसमें कटिंग्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं। बेरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 में आपको 5 मरला प्लॉट, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स जो हैं वो दस्तयाब होंगे। और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो इसमें 10 मरला की कटिंग अवेलेबल है। फेज़ 4 में काफ़ी बड़ा है तो 10 मरले के प्लॉट्स इसमें जो हैं वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा हैं। और सबसे कम जो है मेरे लिहाज से इसमें 5 मरला और 8 मरला के हैं। और प्राइस प्लान के बारे में अगर मैं बात करता चलूं तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में डिफरेंट प्राइसेस हैं लोकेशन वाइज और ब्लॉक्स वाइज। और कुछ हिस्सों में इसमें पोजीशन अवेलेबल भी है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेलेबल है, लेकिन अभी ये उस लिहाज से डेवलप नहीं है। इसमें आपको 5 मरला का प्लॉट तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए में मिल जाएगा। लोकेशन वाइज लोकेशन मैटर करती है, 40 45 तक 50 तक भी हैं इसमें अकॉर्डिंग टू लोकेशन। और इसमें आपको 10 मरला प्लॉट तकरीबन जो है वो 45 से लेकर आपको 80-90 लाख रुपए तक जो है आपको इसमें 10 मरला का प्लॉट मिलेगा। ये इसके अंदर मस्जिद भी बनी हुई है, बहुत ही शानदार और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बहरिया के ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर ये मस्जिद है और जामिया मस्जिद रियाज़ के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही प्यारी और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है, जामिया मस्जिद रियाज़। ये इसमें वर्किंग है और लोग नमाजी इसमें नमाज़ पढ़ते हैं रहायशी। और अच्छा जी, आएँ तो अपने टॉपिक की तरफ। बहरिया ऑर्चर्ड में जो है प्राइस की बात कर रहा था तो इसमें आपको 10 मरला का प्लॉट तकरीबन 45 लाख से लेकर 70-80 लाख तक 10 मरला, और 1 कनाल की जो कटिंग है वो आपको इसमें तकरीबन 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 50 लाख तक लोकेशन वाइज इसमें आपको प्लॉट मिल जाएगा। रहने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत प्यारी सोसाइटी बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4। और अगर आप इस सोसाइटी में या इसके अलावा लाहौर में किसी भी सोसाइटी में प्लॉट या घर सेल या परचेज़ करना चाहते हैं या जो भी किसी भी किस्म की मालूमात चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। वाच करने का शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काइंडली देखते रहिए पॉक प्रॉपर्टी अलर्ट्स। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।